हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट नंबर 6 है। तहलका मचा देंगे और मॉस ले लो पढ़ेंगे, मॉस ले लो। और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे पढ़ेंगे। कल मैंने एक्सरे बता दिया था अच्छे तरीके से, उसके डिफिनेशन कर दिया था। आज उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, एक्सरे का प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखिए पहला प्रॉपर्टीज, दीज वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। एक्सरे जो वेव होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक्सरे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ लाइट। एक्सरे का जो स्पीड होता है, मतलब उसका स्पीड किसके इक्वेलेंट होता है, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वेलेंट होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज, सारे प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। दीज शो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। एक्सरे वेव है जो आपका एक्सरे, वो शो क्या क्या करता है, आपका रिफ्लेक्शन शो करता है, रिफ्रैक्शन करता है, इंटरफेरेंस करता है, डिफ्रैक्शन करता है और पोलराइजेशन। सारे प्रॉपर्टीज याद रखने हैं आपको। अब अगला, वेवलेंथ ऑफ एक्सरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है एक्सरे का वेवलेंथ, एक्सरे का वेवलेंथ आपका कितना होता है, 1 एंगस्ट्रम। एक्सरे का वेवलेंथ कितना होता है आपका, 1 एंगस्ट्रम। याद रखना, एक्सरे का वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रम होता है। एग्जाम में हमेशा ठोका गया क्वेश्चन नहीं। उसके बाद बात करते हैं दीज आर नॉट, अच्छा पेपर में आता है भैया, आपको दे दिया जाएगा। उसमें पता है क्या आपको दे दिया जाएगा, कि आपका बताइए एक्सरे डिफ्लेक्टेड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, वहां पर ऑप्शन में आपको ठोक सकता है। तो आपको कैथोड रे दे देगा, उसके बाद क्या दे देगा आपको, पॉजिटिव रे दे देगा, निगेटिव रे दे देगा, और आपको ये भी दे देगा। तो याद रखना है, एक्सरे कभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करता है मेरे भाई। याद रखना है, एक्सरे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं करता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। उसका एक्सरे पेनिट्रेट थ्रू डिफरेंट डेप्थ इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये पेनिट्रेट करता है किसके थ्रू, डिफरेंट सब्सटेंसेस। एक्सरे पेनिट्रेट थ्रू डिफरेंट डेप्थ, मतलब डिफरेंट डेप्थ को ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है डिफरेंट सब्सटेंसेस को। याद रखना, एक्सरे पेनिट्रेट थ्रू डिफरेंट डेप्थ इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस। सबको जो भेदन शक्ति होती है सब में अलग अलग होती है, और साथ में ये डिफरेंट डेप्थ को भी भेद सकता है आसानी तरीके से। अब बात करते हैं एक्सरे शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है कौन, एक्सरे आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। अब इसके एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन इन सर्जरी, सर्जरी जितने भी सर्जरी होते हैं ना, देखते होंगे आप, सर्जरी में यूज किया जाता है आपका एक्सरे। इन रेडियोथेरेपी, बहुत सारे आदमी रेडियोथेरेपी करवाते हैं तो उसमें भी यूज किया जाता है आपका एक्सरे। इन ट्रेडिंग में भी यूज किया जाता है। उसके बाद इन लेबोरेटरी में भी सब एप्लीकेशन के लिए आपका एक्सरे यूज किया जाता है। उसके बाद इन सर्चिंग, कुछ सामान ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए आपका एक्सरे यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो आपको सारे प्रॉपर्टीज के साथ एप्लीकेशन, अब जो पढ़ा रहा हूं ना, जिगर में उतरना चाहिए मेरे भाई, मौसले। ये आपका जेई से लेकर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड पूछते कम है, मगर जेई में तो आते ही है, आपके नीट में आते ही है। एनडीए उनडीए में आ गया ना, तो आपका तहलका मचने वाला फिर दोस्त। ये छोड़ना मत, इसको हल्के में मत लेना, मौसले लो। देखो मौसले क्या साहब, मौसले साहब ने क्या बोला, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकुलर स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ एक्सरे इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब कह ये रहा है कि आपका फ्रीक्वेंसी होता है किसका, पार्टिकुलर स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ एक्सरे। स्पेक्ट्रम का पार्टिकुलर लाइन होता है किसका, एक्सरे का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ एक्सरे, फ्रीक्वेंसी जो भी होगा एक्सरे का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड माइनस बी। देखो यहाँ पर जेड माइनस बी कर दिया। अब पूछोगे गुरु जी जेड और बी क्या है, देखो ए और बी, जेड और बी, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ए कॉस्ट लगा दिया, जेड आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा मेरे भाई। याद रखना वो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और याद रखना उसका V इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ठीक है ना, इतना दे रखा है। तो आपका क्या है, ये V नहीं होना चाहिए भाई, ये फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ऐसे कर दो, ये फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड माइनस बी। फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का जैसे ही साइन हटा तो आपका क्या हो जाए, ए जेड माइनस बी। तो देखो अब ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, जेड आपका क्या है, एटोमिक, जेड इज रिप्लेस बाय जेड माइनस बी ड्यू टू स्क्रीनिंग एटोमिक नंबर इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो याद रखना जेड जो है आपका एटॉमिक नंबर है, और ये आपका फ्रीक्वेंसी है, जो वी की तरह दिख रहा है ना, वो यू की तरह शो होता है ना, म्यू की तरह ऐसे ऐसे शो करते हैं, ऐसे ऐसे, वही है ये, ठीक है, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी इसको डिनोट किया है।
देखो यहाँ पर जेड को जेड माइनस बी पे रिप्लेस करते हैं, क्यों करते हैं मेरे भाई, फॉर्मूला याद रखना एग्जाम में आता है हमेशा। तो आप ये करना फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी का स्क्वायर, तो आपको जेड माइनस बी क्यों, जेड की जगह पर जेड माइनस बी क्यों किया, तो रिप्लेस किया ड्यू टू स्क्रीनिंग एटॉमिक नंबर इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। मतलब उसमें क्या हुआ, स्क्रीनिंग एटॉमिक नंबर इफेक्ट हुआ, स्क्रीनिंग नंबर एटॉमिक नंबर इफेक्ट के कारण आपको जेड को जेड माइनस बी करना है। किसमें हुआ, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में हुआ, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में हुआ, इसलिए मैंने जेड को जेड माइनस बी कर दिया। इतना समझ में आ गया, ये फॉर्मूला सीधा पेपर में ठोका गया मेरे भाई, हर एक न जाने कितने एग्जाम में पूछा था ये सेम टू सेम। एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड वाले बच्चे ध्यान रख लो, और एनडीए वाले ये फॉर्मूले ही पेपर में ऑप्शन बन के दे देते हैं और बोल देते हैं मॉसले लॉ का सिद्धांत क्या है। तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा याद रखना है। देखो एम ई के पावर फोर, एम ई के पावर फोर एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यू वन माइन वन डिवाइड बाई एन वन का क्यूब माइनस एन वन का स्क्वायर माइनस वन बटा में एन टू का स्क्वायर, याद रखना है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में आपको ई के पावर फोर पे बहुत कंफ्यूज करता है, वहां पर ई के पावर थ्री देता है, कभी ई के पावर सिक्स देता है। तो आपको याद रखना है एम ई के पावर फोर एट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यू, एच क्या आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और वन बटा में एन वन का स्क्वायर माइनस वन बटा में एन टू का स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए ये दोनों यूज किया गया है। तो आपको ये फॉर्मूला जिगर में उतार लेना मेरे भाई, ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम ई के पावर फोर, वहां पे कंफ्यूजन करता है एग्जाम में, तो आपको वो चीज याद रखनी है। और देखो क्रॉम्पटन इफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्रॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, तो याद रखना ये पढ़ाऊंगा मैं, अभी पढ़ाऊंगा ये, आपको याद रखना इसके वेवलेंथ याद रखना 0.024 एंगस्ट्रॉम, 0.024 एंगस्ट्रॉम याद रखना, कौन क्रॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपका क्या हो जाएगा वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या हो जाएगा 0.024 एंगस्ट्रॉम एच बटा में एम जीरो सी, एच बटा में एम जीरो सी, ये सारा चीज पढ़ाऊंगा मैं कल, टेंशन ना लो। मैंने इसको बेसिकली आपको वेवलेंथ याद करवाने के लिए लिखा था, मैंने 0.024 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है, वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू वन एंगस्ट्रॉम टू 10 के पावर माइनस 10 मीटर, याद रखना वन नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 9 मीटर। तो ये सारे चीज जो इंपॉर्टेंट है वो भी कन्वर्टर बताऊंगा, टेंशन ना लो। और साथ में दोस्तों ये याद रखना वेवलेंथ क्रॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था 0.024 एंगस्ट्रॉम, और साथ में मॉसले का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ए इज इक्वल टू एम ई के पावर फोर, उसके बाद 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यू वन बटा में एन वन का स्क्वायर माइनस वन बटा में एन टू स्क्वायर। तो ये याद रखना है सारे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, मॉसले साहब को कमजोर ना समझो, मॉसलो भी आपको ठोक सकता है पेपर में, और ये तो हमेशा कितनी बार पूछा गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो जरूर से लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और याद रखना वर्दी ऐसे नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है, पसीने निकालने पड़ते हैं। तो फिर तिरंगे को हमेशा सलाम करते रहो, माँ की सेवा करते रहो, यही अपनी जुनून है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।